अब हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के प्रपोर्शंस की। अगर हम हमारे एक हाथ को ह्यूमन फेस के अकॉर्डिंग मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे तीन हाथ की टोर्सो तक होती है बॉडी, गर्दन के मसल्स के बाद कॉलर बोन, और कॉलर बोन के बाद ऐसे खुली हुई किताब एक आदमी की चेस्ट के लिए बनानी है। अब अगर हम हाथ की डिवीजन लेते हैं तो हाथ में जैसे कि हमारी उंगली की यहाँ की हड्डी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी 3, इसकी 5, और ये अंदर की हड्डी जो हथेली में इसकी 8 सेंटीमीटर होती है। इस पूरे हाथ की लंबाई के साथ हम अपनी इस कोहनी की लंबाई को निकालते हैं जो गोल्डन रेशो के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहली हड्डी 2 सेंटीमीटर, तीसरी 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर अंदर जो हथेली के अंदर होती है 8 सेंटीमीटर। तो उस तरह से मैंने लेके स्ट्रक्चर को उसी रेशो प्रोपोर्शंस में लेकर इसको हाथ को पूरे को बनाया है, जिसके अंदर पूरे मसल्स और दोनों हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हमें बचपन में लोटस फ्लावर ऐसे बनाना सिखाया जाता था, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे फिंगर्स बनाने के लिए। इसमें भी मैंने वही आर्ट की शेप को दोहराने की कोशिश की है। जनरली एक आर्ट का स्टूडेंट गलती करता है कि उंगलियों को गोल बना देता है, जबकि हमारी उंगलियों के अंदर 5 भुजाएं दिखाई पड़ती हैं जिससे कि वो डायमेंशन पकड़ती हैं। तो इसलिए हमें ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखना है उसको एक गोले लगाने की बजाय 5 भुजाओं का इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन आकृति में चेहरे की लंबाई की। जनरली हमें ये कहा जाता है कि चेहरा आपने एक ओवल में बनाना है, तो हमें चेहरा किस तरह के ओवल में बनाना है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि जिस भी आकार का हमने बनाना हो आकृति, उसके अकॉर्डिंग चेहरे का हम एक सर्कल लेकर दूसरा हाफ सर्कल से थोड़ा सा कम नीचे तक, तो हमारी पूरी की पूरी एक थोड़ी से लेकर हेड तक की लंबाई आ जाती है। जब हम चेहरा सामने से बना रहे होते हैं तो हमारी दो आँखों के बीच में एक आँख का डिस्टेंस होता है, और लिप्स के लिए मैक्सिमम पॉइंट होता है। जब हम इन आँखों के ब्लैक पॉइंट को नीचे ले आते हैं तो लिप्स की वो मैक्सिमम लंबाई हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे औरत की आकृति की। औरत की आकृति हम सब जानते हैं लय, रिदम और कर्व के साथ जुड़ी हुई है। तो उस आकृति को समझने के लिए हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर भारतीय कला का इतिहास है। हमें अजंता एलोरा में बनी हुई आकृतियों को समझना होगा, उनके रेशो प्रपोर्शंस को, उनके कर्व को, उनके कट्स को, किस किस तरह से उन्होंने उस आकृतियों को तराशा है, और उन तराशी हुई आकृतियों के रेशो प्रपोर्शंस और बॉडी स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम भारतीय नारी का सजीवता के साथ
चित्रण करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि मेल और फीमेल फिगर में किस तरह से अंतर है। जनरली हम देखते हैं कि मेल फिगर थोड़ी सी रिजिड होती है और उसमें कंटूर्स हमारे एंगल्स में चलते हैं, जबकि इसके विपरीत जब हम वुमेन की फिगर बनाते हैं तो उसमें कंटूर्स कर्व में होते हैं, लय में होते हैं, रिदम में होते हैं और एक सॉफ्टनेस लिए हुए होते हैं। कंटूर का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारी आकृति की जो आउटर लाइन है वो किस तरह से मुड़ी हुई है, किस तरह से घूम रही है, क्या उसका साइज और डायमेंशन है, उसके लिए हम कंटूर शब्द को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम जनरली ये गलती कर जाते हैं या इग्नोर हो जाती है कि किस तरह से एक फीमेल और मेल आकृति को ड्रॉ किया जाए। जब हम स्टूडेंट लाइफ में मेल और फीमेल आकृति को पेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो वो मिक्स ही हो जाती है, फीमेल में मेल दिखने लग जाता है, मेल के अंदर फीमेल के गुण दिखने लग जाते हैं। हमें मेडिकल कॉलेज में जाकर स्टडी करनी चाहिए। सभी मेडिकल कॉलेजों में एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है और हमें उस एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बॉडी के सभी पार्ट्स मिल जाते हैं। पहले हमें उन बॉडी पार्ट्स को स्टडी करें, स्केलेटन को स्टडी करें, मसल्स को स्टडी करें, उसके बाद हम पूरी ह्यूमन आकृति भी वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। बेशक वो डेड बॉडीज हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज हमें पूरी तरह से गाइड कर देती हैं कि क्या रेशियो प्रोपोर्शन एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के होने चाहिए। इसी तरह से जब हम स्टडीज करते जाते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर के प्रति पकड़ बढ़ती जाती है और कला के क्षेत्र में हम और अधिक पारंगत ह्यूमन एनाटॉमी को बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ग्रेट मास्टर्स ने भी इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया है और हमें भी इस प्रोसेस को समझते हुए अपने कला के क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करना चाहिए।